बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है टॉर्क, जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। जब हम फोर्स लगाएंगे और वो बॉडी अगर टच करें कि ये नट है जिसको हम टाइट करना चाहते हैं और हमने फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन में, तो ये जो नट है ये रोटेट करना शुरू कर देगा, यानी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो स्पैनर की लेंथ जितनी ज़्यादा, हम देखते हैं कि टॉर्क इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो टॉर्क होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, वो बराबर होगा मोमेंट आर्म इनटू फोर्स के। मोमेंट आर्म क्या होता है? मोमेंट आर्म को हम डिफाइन करते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम टर्निंग पॉइंट, जिसको हम पाइवट भी कहते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, यानी ये जो फोर्स है, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी ये जो लाइन है, दैट इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये टर्निंग पॉइंट है, दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ से इस लाइन तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा मोमेंट आर्म। तो आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में जो मोमेंट आर्म है वो स्पैनर की लेंथ के इक्वल है। मोमेंट आर्म इन दिस केस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ स्पैनर। तो इसलिए हमने मोमेंट आर्म की जगह पे लेंथ ले ली है और फोर्स क्या है? फोर्स है एफ। तो जो टॉर्क की मैग्नीट्यूड आएगी वो एल एफ के बराबर आएगी इस केस में। यानी जितना ज़्यादा लेंथ होगा स्पैनर का, उतना टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, या जितनी ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे उतना टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। यानी सपोज करें कि अगर हम एक नट खोल रहे हैं और वो नट हमसे ओपन नहीं हो रहा, यानी टर्न नहीं कर रहा, तो हमने जितनी फोर्स लगा सकते थे लगा दी, इवन देन रोटेशन नहीं हो रही। तो फिर इसका दूसरा हाल ये है कि अगर हम एक ऐसा स्पैनर यूज़ करें जिसकी लेंथ ज़्यादा है, तो वो जो नट है वो ओपन हो सकता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो ट्रक का टायर है, जब ट्रक ड्राइवर उसको चेंज कर रहा होता है, तो वो जो स्पैनर यूज़ करता है वो बहुत ज़्यादा लेंथ होती है उसकी। उसकी रीज़न ये होती है कि उसको ओपन करने के लिए, उस नट को ओपन करने के लिए ज़्यादा जो है वो टॉर्क रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए वो स्पैनर जो है वो बड़ा यूज़ करते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एक और बात नोट करने वाली है कि व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द पिवट, द मोमेंट आर्म इज ज़ीरो एंड टॉर्क इज ज़ीरो। यानी अगर ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स इस डायरेक्शन में अगर हम अप्लाई करते, इस डायरेक्शन में, जो कि आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है दैट पासिस थ्रू द टर्निंग पॉइंट, तो इस केस में मोमेंट आर्म ज़ीरो होगा। अगर मोमेंट आर्म ज़ीरो होगा तो टॉर्क भी ज़ीरो होगा। तो अभी हमने देखा कि जो टॉर्क है ये बराबर होता है मोमेंट आर्म और फोर्स के, और मोमेंट आर्म जो है दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम टर्निंग पॉइंट। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे कि सपोज करें कि एक फोर्स है जो एंगल थीटा बना रही है इस रॉड के साथ, और ये जो ओ पॉइंट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये टर्निंग पॉइंट है। यानी इसके अबाउट हम टॉर्क मालूम करना चाह रहे हैं ड्यू टू द दिस फोर्स। दिस फोर्स इज मेकिंग एंगल थीटा। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं इस फोर्स को। एक कंपोनेंट ये होगा एफ कॉस थीटा, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो बनेगा ये एफ साइन थीटा।
ठीक ठाक इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे भी शो कर सकता हूँ, दैट इज़ द एफ साइन थीटा। ये जो कंपोनेंट है इसको मैंने यहाँ शो कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि एफ कॉस थीटा जो कंपोनेंट है, ये इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ये टर्निंग पॉइंट से पास कर रही है, यानी एफ कॉस थीटा का जो टॉर्क होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया है। ये जो फोर्स है, ये जो कंपोनेंट है एफ फोर्स का, एफ साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर है इसकी, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी ये हम मोमेंट आर्म ले सकते हैं, इसको हम पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं आर, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द टर्निंग पॉइंट। तो इस केस में जो टॉर्क होगा वो होगा आर इंटू एफ साइन थीटा, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अगर तो फोर्स और आर परपेंडिकुलर होंगे तो हम सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर फोर्स और आर परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फोर्स के कंपोनेंट्स लेंगे, जो कंपोनेंट आर के परपेंडिकुलर होगा उसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे, या आर के कंपोनेंट्स लेंगे और जो कंपोनेंट आर का फोर्स के परपेंडिकुलर होगा वो कंपोनेंट, उस कंपोनेंट को फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस केस में हमने क्या किया, हमने फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया और जो कंपोनेंट आर के परपेंडिकुलर था उसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई आर एफ साइन थीटा। दूसरी एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर आर और एफ परपेंडिकुलर हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टॉर्क आ जाए, टॉर्क को हम टॉ से लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉ। तो इस केस में ये टॉर्क बराबर आएगा आर एफ के, इसको हम आर एफ साइन 90 भी ले सकते हैं क्योंकि साइन 91 होता है, तो वही आर एफ की वैल्यू बराबर आ जाए। तीसरा केस हम लेते हैं कि अगर फोर्स जो है ये पैरेलल हो रॉड के, तो आप देख सकते हैं इस केस में जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो टर्निंग पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए इस केस में टॉर्क ज़ीरो होगा, अगर टॉर्क ज़ीरो है तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं आर एफ साइन ज़ीरो, क्योंकि साइन ज़ीरो की जो वैल्यू है वो ज़ीरो होती है, तो इसलिए टॉर्क ज़ीरो आ गई। तो इन जनरल फॉर्म, जो जनरल फार्मूला होगा टॉर्क मालूम करने का, वो बराबर होगा आर एफ साइन थीटा, ये टॉर्क की मैग्नीट्यूड बताएगा। और हमें पता है कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो वेक्टर फॉर्म में हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे आर क्रॉस एफ। तो इस इक्वेशन से एक और डेफिनेशन भी हमारे सामने हम डिफाइन कर सकते हैं कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो इसके जो यूनिट होंगे, ऐसे यूनिट टॉर्क के, वो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से मीटर और न्यूटन, या न्यूटन मीटर होंगे। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, यानी अगर हमने फोर्स लगाई और वो बॉडी टर्न करता है क्लॉकवाइज तो टॉर्क भी क्लॉकवाइज होगा, और हमने फोर्स लगाई और वो बॉडी टर्न करता है एंटी क्लॉकवाइज तो वो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा। जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है इसको हम बाय कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज टॉर्क है इसको हम नेगेटिव लेते हैं। और आखिर में एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि टॉर्क प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज फोर्स प्लेज इन लीनियर मोशन, यानी जो टॉर्क है वो वही रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में, जो फोर्स प्ले करती है लीनियर मोशन में। यानी जब हम फोर्स लगाते हैं तो आपको पता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इसी तरह जब हम टॉर्क अप्लाई करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा।